चढ़ती कला ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान भूपेंद्र किंग की अध्यक्षता में राजनगर बस्ती बाबाखेल स्थित आर्य समाज मंदिर में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में लगभग 200 मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया और उन्हें दवाइयां भी वितरित की गई। तो वहीं इस आयोजन में जालंधर वेस्ट के विधायक महेंद्र भगत ने विशेष रूप से शिरकत की और मरीजों एवं डॉक्टरों से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रीय प्रधान भूपेंद्र किंग ने सभी मेहमानों, डॉक्टरों और मरीजों का धन्यवाद करते हुए कहा कि समाज में इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता है ताकि ज़रूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इस कैंप का संपूर्ण प्रबंधन राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग की सुप्रिया शर्मा को सौंपा गया, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और कैंप को सफल बनाया। वहीं विधायक महेंद्र भगत ने कहा कि हमें इस तरह के सेवा कार्यों को निरंतर जारी रखना चाहिए क्योंकि इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। उन्होंने कैंप में उपस्थित मरीजों की स्थिति का जायजा लिया और डॉक्टरों से बातचीत भी की। इस आयोजन में महिला विंग की जिला टीम से कुमकुम सिंह भी शामिल रही और उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। वुमेन राइट्स पर जो आज मेडिकल कैंप लगाया गया है आर्य समाज बस्ती बाबा सैदी विच नेशनल प्रेजिडेंट साडे भैन जी दर्शन शर्मा जी, प्रभा शर्मा और मेरे विजय सिंह सिंह जी और तेरे खास के दोबारा माइंड में जाने नेशनल प्रेजिडेंट सारे जी प्रति कला वूमेन राजकर के मैंबर साहबान और खास करके इस इलाके के काउंसलर सुधा सिंह जी और उनके नाल उनके पति और बहुत ही मेरे छोटे जी कार्यो मनीष जी भी मनीष भिंगरा जी और इस आर्या समाज के प्रधान जोगिंदर पाल जी नारेश भगत जी ओम प्रकाश जी और जिन्हें मैं देख रहे हैं आर्या समाज की टीम साढ़े सैकटरी साहब रामलीला के शहरा के ग्राउंड के और मेडिकल की बहुत लोड़ होती है और अजकल मेडिकल जो है बहुत महंगा हो गया प्राइवेट हस्पतालों के बच्चे सो इस करके जो लोग इलाज नहीं कराते थे प्राइवेट हस्पतालों में तुम ये चढ़ती कला वेलफेयर में जो उपराला किया है बहुत ही शलाघा योग है। सो मैं तुम सारी टीम पूरी गल की मुबारकबाद दिता हाँ नाल बेनती भी कराँगा कि कृपा करके तुम इस इलाके के बहुत अच्छा खूबसूरत स्थान बनया आ रहा समाज सारे की इतने तुम हाल मिलया है बरसात होए तब भी तुम कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस करके इतने इस जगह का फायदा उठाया जाए और तकरीबन 2-3 महीने बाद कैंप मुझे लगाते रहो ये बड़ा वाला भैन शर्मा जी उन्होंने काम है। सो बेनती भी करा जिन्हें लोग मेरी आवाज सुनते हैं वो बद इतने लोग आ के अपना इलाज और दवाई लै सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय।